Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 3, that is religious synthesis. Students, इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है. ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ है वीडियो, लेकिन वो मैंने खुद से लिख के बनाया था, तो आपको डाइजेस्ट का चाहिए, इसलिए मैं आपको वापस से डाइजेस्ट का प्रोवाइड कर रही हूँ. क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप देख लेना, तो आपको क्वेश्चन आंसर ईजी लगने लगेगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए, जो भी फिलिंग ब्लैंक्स है सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट का आप देखिए, जैसे कि क्या है, श्री बसवेश्वर कर्नाटका, संत मीराबाई ये कहाँ से थी, राजस्थान से थी, तो यहाँ पे लिखना है. स्वामी रामानंद ये नॉर्थ इंडिया से थे. चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल से थे, तो यहाँ बंगाल. ओके, श्री चक्रधर स्वामी ये महाराष्ट्र से थे. ओके, सो शंकरादेवा ये कहाँ से हैं, फिर ये आसाम से हैं, यहाँ पर आएगा. तो दोनों यहाँ पे दोनों का दिया गया है, तो दोनों ही आपको लिखना है. ये यहाँ पे आएगा फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पे आएगा आसाम. फोर्थ गुरु नानक, फर्स्ट गुरु ऑफ द सिक्स, वो सिखों के फर्स्ट गुरु थे. ओके, और गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पे क्या आएगा, गुरु गोविंद सिंह, टेंथ गुरु ऑफ द सिक्स. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिफ्थ में, नारायण डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा वो थे. और जबकि जो अलवरस थे, अलवरस वो कौन थे, डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये विष्णु के थे भक्त. उसके बाद यहाँ पे देखिए, श्री बसवेश्वर वो कर्नाटका से थे. संत नरसिंह मेहता ये कहाँ से थे, गुजरात से थे. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग नेम्स, तो यहाँ पे जो है ये क्या आएगा, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब आएगा. ठीक है, अगर हम देखें ऐसे डैश डैश, तो ये यहाँ पे सबका आंसर, सबके आगे सबका आंसर दिया हुआ है. मेक अ चार्ट टू शो द पीपल एंड वर्क्स रिलेटेड टू, तो भक्ति, यहाँ पे मूवमेंट देखिए, भक्ति मूवमेंट, महानुभाव पंथ एंड सिखिज्म, तो सबके यहाँ पे वो कौन लोग थे, वर्क उनका क्या था, वो सब यहाँ पे दिया गया है. तो आप देख पा रहे होंगे आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ साथ में यहाँ पे दिया हुआ है. वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. यहाँ पर मैं बहुत स्लोली आपको यहाँ पर शो करती हूँ सारे क्वेश्चन आंसर, ताकि आप ईजिली लिख पाओ. ओके, सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, और उसके आंसर्स भी उसके नीचे ही दिए गए हैं. लेट द फाउंडेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया, कौन थे, सो आचार्य रामानुजा. ओके, सेकंड का आंसर यहाँ पे है. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम्स, संत हु रीच्ड कृष्ण भक्ति, सॉरी प्रीच्ड. ओके, तो यहाँ पे दो दिए गए हैं, बाकी का आपको करना है खुद से, तो उसका आंसर नीचे दिया गया है. और यहाँ पे देखिए, प्रीच्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो एक ही दिया गया है, सूफी सेंट्स, बाकी सब आपको करना है. तो ये देखिए, पहले का आंसर यहाँ पे है, उसके बाद ये वाला यहाँ पे है. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, व्हाट डज द आइडल हरिहर इंडिकेट, तो यहाँ पे दिए गए हैं देखिए सब यहाँ पे. व्हाट डज द आइडल हरिहर इंडिकेट, क्या वो इंडिकेट करते हैं जो हरिहर है भगवान लॉर्ड, तो वो लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु आर द सेम. ठीक है, ये वाला बी वाला राइट है. सेकेंड में कौन सा राइट है, सो हु कंपोज रामचरित मानस, हम सबको पता ही है, तुलसीदास हैं. ओके, और थर्ड में देखिए, हुज फेमस सेइंग इज कैकवे कैलाश, सो इस किसने कहा है, सो श्री बसवेश्वर, ए वाला राइट है. ओके, फोर्थ में संत रोहिदास, ये वाला राइट है. ओके, और लास्ट वाला संत मीराबाई, ये वाला राइट है. वन सेंटेंस में आंसर करना है, व्हाट डिड द भक्ति मूवमेंट टीच, भक्ति मूवमेंट हमें क्या सिखाता है, तो ये हमें वैल्यू सिखाता है जो कि सच एज लव फॉर गॉड एंड ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड मर्सी टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स, हर जीवित प्राणी के लिए हमें मन में दया होनी चाहिए. ठीक है, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है. वॉट मैसेज डिड संत मीराबाई वर्सेज गिव, मीराबाई की जो भी उन्होंने लिखा है दोहे वगैरह, वो क्या हमें बताता है, तो मैसेज ऑफ डिवोशन भक्ति. ओके, टॉलरेंस सहनशीलता और ह्यूमैनिटी इंसानियत. वॉट डू द सूफी सेंट्स बिलीव, सूफी संत जो थे वो क्या बिलीव करते थे, क्या यकीन करते थे, वो भी ये यकीन करते थे जो सूफी संत थे कि गॉड फुल ऑफ लव है, एंड वे टू रीच हिम थ्रू लव एंड डिवोशन, भक्ति और प्यार से ही उन तक पहुँच सकते हैं. टू विच थिंग्स डिड संत कबीर नॉट अटैच एनी इम्पॉर्टेंस, तो यहाँ पे दिखा गया है,
एनी इम्पोर्टेंस टू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ओके, व्रताज एंड आइडल आइडल वर्शिप, तो इन सबको वो नहीं मानते थे. या यात्रा करना, व्रत करना, पूजा करना, मतलब मूर्तियों की पूजा करना, इन सब में वो यकीन नहीं रखते थे. वो मानवता में और भक्ति में वो ये सब यकीन करते थे. वॉट वॉज द मैसेज गिवन बाय श्री बसवेश्वर? तो उन्होंने मैसेज दिया सिंपल लिविंग एंड चेस्ट बिहेवियर, पवित्र बिहेवियर व्यवहार. वॉट डिड गुरु नानक रियलाइज आफ्टर विजिटिंग मेनी होली प्लेसेस? सो आफ्टर विजिटिंग मेनी होली प्लेसेस गुरु नानक रियलाइज दैट द फीलिंग ऑफ डिवोशन इज कॉमन एवरीवेयर. तो उन्होंने यही देखा कि जो डिवोशन भक्ति है वो हर जगह पे है. वॉट अकॉर्डिंग टू गुरु नानक वॉज द ओनली वे टू रीच गॉड? तो गुरु नानक के अकॉर्डिंग जो पवित्र व्यवहार है इंसान के अंदर वो एक केवल रास्ता है इंसान भगवान तक पहुँचने की. हुज कंपोजिशंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द आदि ग्रंथा? तो किसने कंपोज किया, मतलब किसकी कंपोजिशन इंक्लूडेड है आदि ग्रंथा में? तो संत नामदेव का और गुरु नानक, संत कबीर और कई सारे संत अलग अलग हैं जिनका जिनकी जो कंपोजिशन है वो आदि ग्रंथ में इंक्लूडेड है. वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द सूफी सेंट्स? तो पूछा गया है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब टीचिंग ऑफ द सूफी संत के टीचिंग का क्या प्रभाव पड़ा. तो बोथ हिंदू और मुस्लिम दोनों पे ही दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, ठीक है, भाईचारा बढ़ा. वॉट वॉज द टीचिंग ऑफ आचार्य रामानुजा? तो उनकी रामानुजा की क्या टीचिंग थी? तो वो भी यही मानते थे गॉड इज़ फॉर एवरी वन एंड द गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि भगवान सबके लिए एक जैसा है और भगवान के लिए भी सब एक जैसे, मतलब कि भगवान हर जगह हैं और वो किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, भेदभाव नहीं करते. वॉट डू यू नो अबाउट हरिहर? हरिहर तो मीन्स ये भक्ति के जो दो पंथ थे साउथ इंडिया में, शिव भक्ति और विष्णु भक्ति, मतलब कि दोनों ही उनको सेम बताया. और देयर आइडल्स डिपिक्टेड हाफ शिवा एंड हाफ विष्णु. तो ये हरिहर दिखाता है कि मतलब हरिहर भगवान को अगर हम बात करें तो वो आधे पार्ट में मतलब शिव हैं और आधे विष्णु हैं, क्योंकि दो पंथ, एक पंथ होता था, सेक्ट होता था जो विष्णु भगवान को मानते थे, दूसरे शिव जी को मानते थे. दोनों को यहाँ पे ये दिखाएगा कि दोनों एक ही हैं. हु आर द सिक्स? तो गुरु नानक आर नोन एज सिक्स मीन्स शिष्यास, सॉरी मीन्स फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक. मतलब गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे उन्हें शिष्यास कहा गया, मतलब फिर बाद में वही सिख कहा जाने लगा, ठीक है, मतलब कि जो गुरु नानक के जो टीचिंग पे उनको फॉलो करने लगे उस तरीके से. स्ट्रेट वाय गिव रीजंस? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म बिकॉज रिलीजियस सिंथेसिस हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर सिंस मिडिवल एज. देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स एंड लैंग्वेज इन द इंडियन सोसाइटी. सेकेंड यहाँ पे दिया गया रिलीजियस सिंथेसिस गैदर्ड मोमेंटम ड्यूरिंग द मिडिवल एज, आंसर यहाँ पे दिया गया है. थर्ड है यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग द मिडिवल एज, आंसर दिया गया है. महानुभव पंथ है, सबका आंसर बहुत ही ईजी है, सब एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. सो मैं यहाँ पे आंसर काफ़ी थोड़े बड़े हैं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन और उसका आंसर, तो अच्छे आप अच्छे से उसे लिख लो, ओके, वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ सारे क्वेश्चन आंसर, तो आप लिख सकते हो ईजिली. तो आपको डाइजेस्ट नहीं है अगर आपके पास, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. व्रताज एंड यहाँ पे है और ये बेस्ड है BASED, ओके, इक्वल ये पॉइंट वन है, ये यहाँ पे वन पॉइंट है. एंड ही वांटेड, ये ही है, ही वांटेड, ओके, एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स, ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स, मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, ऑर्थोडॉक्स DO, ये ओ है, ठीक है. और ये ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब GRANTH. सो जहाँ पे ब्लर था वो मैंने आपको बताया, बाकी सब तो दिख ही रहा है अच्छे से. यहाँ पे भी दिख ही रहा है, डिवोशनल है, ये बिहेवियर है. सो आंसर आप देख लो अच्छे से और लिख लो. गिव इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ इन योर ओन वर्ड्स भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. सो स्टूडेंट्स वीडियो पूरा देखना आप, और यहाँ पे मैंने पूरा जितना भी क्वेश्चन आंसर है मैं पूरा आपको यहाँ पे बता रही हूँ,
ऑलरेडी तो मैंने वीडियोस बनाए हैं सब, लेकिन यहाँ पे डाइजेस्ट का है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वर्कबुक डाइजेस्ट नहीं है या फिर वर्कबुक कंप्लीट नहीं, तो आप यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ये कंपाइल्ड है COMPILED एंड कैन बी कॉमन मेनी MANY, और ये है COMMONBE, यहाँ पे कैन बी, एंड ये कंपाइल्ड का स्पेलिंग है COMPILED ARER। बाकी सब तो अच्छे से दिख ही रहा है। महानुभाव पंथ, सब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इस पर, बहुत ही इजी है, तो आप इजीली लिख सकते हो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें हैं, तो फिर क्वेश्चन आंसर भी इजी लगता है। अगर आप वीडियो अच्छे से देख लोगे जो मैंने पढ़ाया है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। ओके।